अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नेम आर्ट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हमारे यहाँ तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नेम आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद उसको ओपन करना है। आप यहाँ पे बाद में बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो पर भी अपना नेम ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसके बाद हमने नेम ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ हमें अपना नाम लिखना है। फिर हमने डन पर क्लिक करना है। फिर हमने लिखने का स्टाइल चेंज करना है, जैसे कि हमने करके दिखाया है आपको। जैसे कि हमने ये किया है, उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। उसके बाद हमने बिक्स पर आना है। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये किया, उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमने फ्रेम चेंज करना है। आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये किया, उसके बाद हमने स्टिकर्स पर आना है। आप इनमें से कोई भी स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर यहाँ ना अगर आप बटरफ्लाई वाले लगाना चाहें या कपल्स वाले या इमोजीज फ्लावर्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इनमें से। अगर आप बड़े वाला करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये किया, उसके बाद हमने आर्ट पर आना है। यहाँ हम अपना फूल या दिल वगैरह लगा सकते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सब हटाना चाहें तो क्लियर ऑल पर लगाना है आपने। अगर आप एक को हटाना चाहें तो आपने क्लियर पर सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने डन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने पेंट पर आना है। अगर आप इसमें हल्का करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसलिए हम हल्का ही करेंगे। ये देख सकते हैं आप, अगर कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप तेज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लियर को टच करेंगे तो ये खुद ही चले जाएंगे। उसके बाद हमने डन पर क्लिक करना है। तो हमारी ये पिक रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमने सेव कर लेनी है। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।